सतगुरु गरीब निवास धन श्री गुरु नानक देव सचे पातशाह जी दे वरोसाए पंथ खालसा जी गुरु स्वरूप सात संगत जी फतेह दी सांझ पाउणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे पावन इतिहास दी गल जो कि आप जी पिछले लमेरे समय तो सरवण कर रहे हो, जदों सिख इतिहास की सांझ पाउने ते बाबे नानक दे इतिहास तो बिना सच जानना समुची गल ही अधूरी है। सतगुरां तो बाद नौ पातशाहियां ने जो जीवन जाच दर्शाई, असल दे विच ओहो गुरु नानक दा मार्ग है। केवल शरीर करके पातशाहियां दस होईयां ने, जोत इको ही जगमग हुंदी रही ते अज तक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच ओही जोत विराजमान है। जिवें बाणी दा फरमान है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। केवल काया बदली है, जोत नहीं बदली। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने जदों भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद थापिया, केवल काया बदली सी, जोत ओही टिकाई सी जो आप निरंकार परमेश्वर दे घरों लैके आए सन। सो गुरु नानक नूं कोई होर समझना ते कलगीधर पातशाह नूं कोई होर समझना, यह निरी पुल है। सतगुरु दूजी प्रचार फेरी दौरान जो कि सतगुरां ने सन 1510 ईस्वी राय भोई की तलवंडी तो आरंभ की सी, पहला जिक्र हो चुके है कि सचे पातशाह लगभग 19,000 फुट की ऊंचाई ते सुमेर पर्वत पहुँचे, जिथे जोगियां नाल मुलाकात हुई, बचन बिलास होए। सतगुरां ने परमेश्वर दे सनेहे नूं बाकमाल ढंग दे नाल उन्हां जोगियां तक पहुँचा दिता जो धर्मी होण दा, जगत जीवां तो उच्चा होण दा दावा करदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुमेर पर्वत ते ज्ञान दा दीवा प्रकाश करके नेपाल पहुँचे। काठमांडू पशुपति मंदिर दे नेड़े सतगुरां ने बागमती गंगा दे किनारे आन टिकाणा कीता, कीर्तन दियां छैबरां ला दित्तियां। आले दुआले सतगुरां दे कीर्तन दा प्रभाव मनुखां नूं सतगुरां दे नेड़े लै आया। उत्थों दा राजा रणबीर सिंह सतगुरां दी संगत विच आ के श्रद्धालु बनिया। इत्थों सतगुरु जी नेपाल दे प्रजा नूं तारदिया होया कंचनजंगा दे पहाड़ां दे उत्तों लंघ के सिक्किम देश पहुँचे। ऐसे सुनहरी पहाड़ां तो लंघदिया भाई मरदाना जी ने सतगुरां नूं बचन कीता, सचे पातशाह ये तां सोने दे पहाड़ ने, इन्हां दे उत्ते असीं कदम धर रहे हैं। ते महाराज ने बचन कीता सी जदों उच्चे हो जाइए तां माया पैरां थल्ले ही रुलदी है। सचे पातशाह सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुँचे।
ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਬਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ, ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੱਤਰ ਉਕੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਦਾਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੈਸਾ ਸੁਖਾਲਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਚਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
गुरु के सिख हो सकते ने, सेवक हो सकते ने, गुरु के गुलाम हो सकते ने, चाकर हो सकते ने, भला गुरु किवें बन सकते ने? गुरु तो केवल बाबा नानक। ते सतगुरु ने शब्द दे लड़ ला के सानू धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख नतमस्तक होने का चज दर्शाया। सो भाई एक दे लड़ लगी है, पिता जी का बचन है, एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। एक परमात्मा तो बिना तो सब धंधे ने, दुकानदारियां ने जो अज चल रही ने, हर थां ते इहो जिहियां दुकानदारियां लभ पैणगियां जो कुछ समा गुरु होण दा दावा करदे ने, रब दे शरीक बन बैंदे ने, ते जदों इन्हां ने पाज उगड़दे ने, कई ऐसे अखौती रब जां तां जेलां विच छड़दे पए ने, जां कई जेलां विच जाण नूं तैयार बैठे ने। सतगुरु गरीब निवाज, मनुखता दा भला करदे आ, एक सच दा हौका देंदे ने, परमेश्वर दे नाम दा ढिंडोरा देंदे ने, दिन रात हर समय हर कड़ी हर एक दे लई, समुची मानवता दे लई इक्को जिहा सांझा उपदेश भलिओ कित्थों लभ लोगे गुरु नानक वर्गा दूजा? होया जो ना, एक परमेश्वर दे लड़ लगी है, एक गुरु दी शरण पई है, ओ गुरु जो आप परमेश्वर दा ही निज स्वरूप है। सतगुरु गरीब निवाज, लेह तो गिलगित होंदिया अस्करदू पुजे, ते इत्थे अज तक बाबे नानक नूं नानक पीर कहा जांदा है। कलंदर दास बुखारी नूं सतगुरां ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म फैलाउण तो रोकिया, पाओ ये धर्म जबरदस्ती का विशा नहीं, यह तां प्रेम का सागर है। इस नूं अपनाउण दे लई प्रेम दे सागर विच चुबियां लाउणियां पैणगियां। कश्मीर तो उत्ते सच्चे पातशाह जी ने मटन साहब आण टिकाणा कीता। संसार दे लोकां नूं भगती मार्ग ते तुरन लई प्रेरणा कीती। इह सारा राह कश्मीर तो उत्ते अवंतीपुर, बीज बिहाड़ा, अनंतनाग तो भी उत्ते है। जदों सतगुरु जी मटन दे विच पहुंचे, जां चर्चा करन दे लई पंडित ब्रह्मदास आ गया। पंडित ब्रह्मदास नूं अपनी विद्या दा बड़ा माण सी, किसे नाल भी जदों चर्चा लई जाना ते धर्म पुस्तकां दे गड्डे लद के नाल लैके जांदा सी, तां जो एक प्रभाव पै सके कि सारे धर्म ग्रंथ मैं घोट के पीते ने। इसे विद्या हंकार नूं नाल लैके बाबे नानक दे चरणां विच आया, माण नाल कहण लगा मेरे नाल धर्म दी चर्चा करो। सतगुरां ने अंदर दा हंकार पढ़ लिया ते ज्ञान दी नज़र बख्शिश करके जदों ये बचन उचारण कीते, जो आसा की वार दे विच गुरु का सिख निता प्रति सरवण भी करदा ते पढ़दा भी, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है,
पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड़ी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल, होर हौमै चखना चाक। जदों ये बचन सरवण कीते, ज्ञान दे नेत्र खुल गए, चरना ते टठा, समझ आ गई। जिन्हां धर्म पुस्तकां नूं पढ़न दा हुण तक हंकार सी, जदों तक इन्हां नूं हिरदा धारण कर जीवन विच कमाउणा नहीं कीता, भावें ता उम्र पढ़दे रहीए। पढ़िए जेती आरजा, जिन्नी कु आरजा मालक परमेश्वर ने बख्शी उम्र दित्ती। पढ़िए जेते सास, जिन्ने स्वास परमेश्वर ने बख्शिश कीते ने, ये भावें पढ़ते रहिए पर जदों तक इन्हां दी कमाई नहीं। नानक लिख है एक गल, होर हौमै चखना चाक। ये पढ़ना ये केवल हौमै अहंकार दी निशानी, केवल चख मारना। जदों सतगुरां दी मुबारक रसना तो ऐसे बचन सरवण कीते, चरना ते डिग पिया। यह है सतगुर दा सुभा, किसे नाल बहस नहीं, विवाद नहीं, केवल बाणी दे तीर मार के सामने वाले नू अपना बना लेना। इहदा एक मित्र जिहदा इतिहासकारां ने ना जिक्र कीता, कमाल, उसने भी सतगुरां दे चरणां विच अपने हिरदे दीआं गहराइयां विचों प्रगट होए सवाल सतगुरां दे सन्मुख रखे, जवाब पा करके निहाल होया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह दी कृपा ते बख्शी सदका इन्हां दोवां ने रल के गुरु नानक दे घर दा प्रचार कीता। सतगुरां ने इन्हां दोवां नूं अपने इलाके दे विच सच दा प्रचार करन दा जिम्मा बख्शिया। सतगुरां दे बचन, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नेह केवल, हौमै शब्द जलाए। सच्चे पातशाह ने शब्द दी कमाई करके इस जीवन विचों लब लोभ अहंकार कूड़ेयार आदक नूं किवें मार लईदा है, किवें जित प्राप्त करनी है, ये बख्शिशां करके समझाउणा कीता। सतगुरां ने समझाउणा कीता कि परमेश्वर दी नज़र दा सदका ही माया नूं लताड़ना ते हौमे नूं गवाउणा संभव है। दुनिया माया हत्थों मार खा रही है, असल ज्ञान माया नूं मारना है। जदों तक जीवन विच ए रीत प्रगट नहीं होई, मनुख माया दी चक्की विच पिसदा रहेगा। आवन जान दा ए खेल कदे मुकना नहीं। सो सतगुरु रहमते हरगंज, पापियां पुनियां अहंकारियां नूं निमाणे निताणे लिताणियां नूं बख्शदे होए अपनी इस प्रचार फेरी नूं निरंतर जारी रखदे ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।